हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो गाइस, सेंट स्टीफन्स कॉलेज में फॉरेन लैंग्वेज पार्ट टाइम कोर्सेज के एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं। अगर आप चाहो तो इसमें एडमिशन ले सकते हो। कॉलेज बहुत ही अच्छा है और नॉर्थ कैंपस का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कॉलेज है। ये बहुत लोगों का ड्रीम कॉलेज भी है और साथ ही में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल कॉलेज है, क्योंकि इसी कॉलेज से मैंने सर्टिफिकेट डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा किया है फ्रेंच लैंग्वेज में। साथ ही में इस कोर्स को करने के बाद मेरी बहुत ही अच्छी जॉब लगी है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैंने उबर टेक्नोलॉजीज ज्वाइन किया एज अ फ्रेंच लैंग्वेज एक्सपर्ट। साथ ही में मेरे बहुत सारी कंपनीज में और सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैंने उबर को चूज़ किया है। तो इसीलिए मेरे लिए ये कॉलेज बहुत ही स्पेशल है। मैं सारा क्रेडिट इस कॉलेज को दूंगी, क्योंकि सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेने से पहले मुझे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मुझे अल्फ़ाबेट्स भी नहीं पता थे। तो जो भी मुझे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में आज इन्फॉर्मेशन है, मैं जितनी भी अच्छी हूँ इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ही है। हाँ, और साथ में हार्डवर्क और इंटरेस्ट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ स्कोप लेके एडमिशन नहीं ले सकते हो, आपको पढ़ना पड़ता है। देखो, जितने भी फॉरेन लैंग्वेजेस है ना, सबके इक्वल स्कोप है। डिपेंड ये करता है कि आप उसको कितना अच्छे से सीखते हो। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो ठीक है, आप देते हो कि इतना आपका लेवल था, आपने तभी अप्लाई किया है। लेकिन जब आपका इंटरव्यू होता है, सिर्फ और सिर्फ यही देखा जाएगा कि आप लैंग्वेज को कितना अच्छे से समझते हो, आप उनके क्वेश्चंस को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो उस पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज में। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आप किसी भी कॉलेज से पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप उसको कितना अच्छे से समझ रहे हो, फॉरेन लैंग्वेज को कितना अच्छे से आपको वो लैंग्वेज आ रहा है। तो आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ कि लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी फिलहाल बात करते हैं सेंट स्टीफन्स कॉलेज में एडमिशन क्राइटेरिया की। तो सेंट स्टीफन्स कॉलेज में जो एडमिशन क्राइटेरिया है, वो उसका जो कट ऑफ होता है वो बैच वाइज होता है। अब बैच वाइज क्या होता है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, होता क्या है ना कि सेंट स्टीफन्स कॉलेज में तीन बैचेस होते हैं, वीकडे मॉर्निंग बैच, वीकडे इवनिंग बैच और वीकेंड बैच। अब वीकडे जो मॉर्निंग बैच होता है उसमें जो कट ऑफ है वो बहुत लो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मॉर्निंग बैच होता है, जो लोग रेगुलर कोर्सेज कर रहे हैं वो एडमिशन इस कोर्स में नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके ऑलरेडी क्लासेस चल रहे होते हैं रेगुलर कोर्सेज के, तो इस कोर्स उनका अफेक्ट ऑलरेडी होने वाला है। तो इसीलिए इस कोर्स में बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। इस कोर्स में वही लोग अप्लाई करते हैं जिनके पास टाइम है, जो सिर्फ यही कोर्स कर रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो इस कोर्स में अप्लाई करते हैं। तो लेकिन मैं ये बता देती हूँ कि इस कोर्स में कोई भी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अगर आप इस कोर्स में वीकडेज वाले में भी एडमिशन ले रहे हो तो आपका पढ़ाई बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, अगर आप साथ में कोई और कोर्स नहीं कर रहे हो तो। ऐसा नहीं है कि वीकेंड में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं और वीकडे में बेकार पढ़ाते हैं, क्योंकि इसकी कम कट ऑफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। और वीकडे जो शाम की बैच है वो बहुत अच्छी बैच है, क्योंकि आप दिन में ये भी कॉलेज के रेगुलर कोर्सेज कर सकते हो, शाम को ये कोर्स कर सकते हो, और वीकेंड तो सबसे डिमांडिंग कोर्स है ही है। तो अगर आपकी कम परसेंटेज है फिर भी आपको सेंट स्टीफन्स में एडमिशन चाहिए, तो आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वीकडे मॉर्निंग बैच को रखना। लेकिन अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं और आपको वीकेंड बैच में ही एडमिशन चाहिए, तो आप उसको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस रख सकते हो। तो और बाकी की जितनी भी डिटेल्स है मैं अभी आप, तो गाइस मैं यहाँ पे लास्ट ईयर की कट ऑफ लिस्ट भी अटैच कर दे रही हूँ, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि लास्ट ईयर कितने कट ऑफ गए थे और इस ईयर क्या कट ऑफ आ सकते हैं। वैसे तो कट ऑफ जो है ना फ्लैक्चुएट इतना ज़्यादा करता है, तो उससे कुछ भी आइडिया नहीं ले सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने मुझसे मांगा था कि लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो मैं इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करती हूँ और आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर कितना कट ऑफ आया था। तो गाइस देखते हैं सेंट स्टीफन्स कॉलेज में सर्टिफिकेट कोर्स की एडमिशन क्राइटेरिया। तो गाइस ये है सेंट स्टीफन्स कॉलेज का पेज, जहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट कोर्स का प्रोस्पेक्टस खोला हुआ है। तो जब आप प्रोस्पेक्टस पे आते हो सर्टिफिकेट कोर्स के, सेंट स्टीफन्स कॉलेज ऑफर्स पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्सेज इन द फॉलोइंग लैंग्वेजेस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड द जनरल पब्लिक। तो क्या क्या कोर्सेज हैं? फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज़, जेपनीज़, अरबिक, पर्जियन और उर्दू। तो ये सारे ही लैंग्वेजेस हैं जो सेंट स्टीफन्स कराता है। A student will be admitted to only one course at a time. However, they can apply for multiple courses. तो आप apply कर सकते हो दो या तीन जितने भी languages में आपको apply करना है, लेकिन आपको एक बार में एक ही course में admission मिलेगा, आप एक ही language एक साल में कर सकते हो। Applicant should carefully read this introductory notice and then fill out the attached application form. The college reserves the right to cancel any course before 1st of October 2021. तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस अगर देखें तो एडमिशन्स विल बी फुली ऑनलाइन एंड द फॉर्म्स विल बी अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट ऑन 9 अगस्त 2021। तो 9 अगस्त को फॉर्म्स आ चुके हैं और जो भी एडमिशन है वो फुली ऑनलाइन होने वाला है। तो जो भी दिल्ली में इस वक्त नहीं है, दूर से एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए काफ़ी सही रहेगा।
और एप्लीकेंट्स आर टू पे अ रजिस्ट्रेशन फी ऑफ रुपी 500 एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको 500 रुपी एप्लीकेशन फॉर्म की चार्जेस लगेंगे जब आप फी करते हो पे। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, और साथ में आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो 55% एंड अबव इन इंग्लिश इन 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट। अगर आपके इंग्लिश में 55% अबव मार्क्स हैं 12th में, तभी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। एडमिशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिट मेरिट एडिंग मार्क्स ऑब्टेन फॉर प्लस टू एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपका एडमिशन जो है इस बेसिस पे होगा, आपके मार्क्स ऐड होंगे प्लस टू के और इंग्लिश के। तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन के लिए। कैलेंडर देखें तो ये टेंटेटिव है, एकदम श्योर नहीं होता है, इसमें डेट्स इधर उधर हो जाते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 9 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, 3 सितंबर 2021 लास्ट डेट होगा फॉर्म फिलअप करने का। और फर्स्ट लिस्ट आपकी दे रहा है 8 सितंबर, सेकंड 13 और थर्ड लिस्ट दे रहा है 17 सितंबर, जिसमें डिले हो जाता है कभी कभी, पर कभी कभी टाइम पे भी आ जाता है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। टाइम पीरियड टू डिपॉजिट कोर्स फी विद इन 3 डेज ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ एडमिशन लिस्ट फॉलोइंग विच एडमिशन विल बी कैंसिल। तो अगर आपकी सपोज फर्स्ट लिस्ट 8 को आ रही है, तो आपको 3 दिन में एडमिशन ले लेना होगा। अगर आप 3 दिन में एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपकी सीट किसी और को अलॉट हो जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्लासेस विल बिगिन फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर एंड विल कंटिन्यू अंटिल द एंड ऑफ अप्रैल मई 2022। क्लासेस विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी कैलेंडर। तो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और लास्ट आपका अप्रैल मई 2022, डिपेंड करता है। कोविड की वजह से हमारी क्लासेस जून तक चली थी, तो डिपेंड करता है, तो इसलिए आप ये एकदम टेंटेटिव ही होगा। और लैंग्वेज कोर्सेज आर अ पार्ट टाइम कोर्स, स्टूडेंट्स एनरोल इन दिस कोर्सेज विल नॉट बी रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू कॉलेज लाइब्रेरी फैसिलिटीज, हॉस्टल एकोमोडेशन और एनी अदर फैसिलिटी ओपन टू रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज। तो बात वही है कि आप पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हो, तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी, ये सब कुछ नहीं मिलने वाला। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स देख लेते हैं, तो क्लासेस विल बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर एंड विल कंटिन्यू अंटिल द एंड ऑफ अप्रैल मई 2022। क्लासेस विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी कैलेंडर। तो आपकी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और एंड डेट अप्रैल मई 2022 दे रहा है, जो कि बिल्कुल भी श्योर नहीं होता है। कोविड की वजह से हमारी क्लासेस जून जुलाई तक चली थी, तो कुछ कह नहीं सकते हैं, जो भी सिचुएशन होगी क्लासेस उसी पे डिपेंड करेंगी। और फिर हम देखेंगे कि लैंग्वेज कोर्सेज आर अ पार्ट टाइम कोर्स, स्टूडेंट एनरोल इन दीज कोर्सेज विल नॉट बी रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू कॉलेज लाइब्रेरी फैसिलिटीज, हॉस्टल एकोमोडेशन और एनी अदर फैसिलिटी ओपन टू रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज। तो बात वही है कि अगर आप पार्ट टाइम कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी, हॉस्टल एकोमोडेशन, ये सब कुछ भी नहीं मिलने वाला है, जो कि रेगुलर कोर्सेज को मिलता है, रेगुलर स्टूडेंट्स को मिलता है। हम देख लेते हैं कोर्स फी, तो कोर्स फी देखते हैं, तो चाइनीज़ और जेपनीज की 17,000 है, अरेबिक पर्जियन उर्दू की 8,000 है, संस्कृत 6,000 इंडियन स्टूडेंट्स के लिए और 15,000 फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है। अदर लैंग्वेजेस जितने भी हैं, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, ये सारे जितने भी लैंग्वेज है, 20,000 रुपीज़ होगा वीकडेज बैच वालों के लिए और 22,000 होगा वीकेंड बैच वालों के लिए। तो फ़ी अलग अलग है, जो वीकडे में एडमिशन लेते हैं उनको 20,000 पे करना होगा, जो वीकेंड बैच में लेते हैं वो 22,000 पे करना होगा। The course fee can be submitted by logging in the portal using the registration ID and password after verification. तो आप course fee pay कर सकते हो एक बारी आप registration कर लेते हो तो। Candidates admitted have to bring a print out of the online application form along with a self-attested copy of the plus two mark sheet for verification whenever the college reopens. तो जब college reopen होगा तब आपको ले जाना होगा, college last year तो reopen ही नहीं हुआ था, तो कोई verification भी नहीं हुआ था। हम क्लास टाइमिंग्स देख लेते हैं, एक चीज़ और देखते हैं। प्लीज़ नोट द टाइमिंग्स केयरफुली, कट ऑफ विल बी बैच स्पेसिफिक एंड योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर फर्स्ट चॉइस, योर सेकेंड और थर्ड चॉइस विल बी कंसिडर्ड ओनली इफ देर आर वेकेंसीज ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड कट ऑफ। तो ये चीज़ आप देखने वाली है कि जब आप बैच एक आपको स्पेसिफाई करना, अगर आप जैसे वीकडेज जो होते हैं ना उनके जो कट ऑफ होते हैं वो बहुत लो होते हैं और वीकेंड के बहुत हाई होते हैं, तो अगर आपकी परसेंटेज कम होंगी तो आप, अगर आपको लेना ही है स्टीफेंस में एडमिशन और आप वीकडे में कंफर्टेबल हो, तो आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस वीकडे को देना, सेकंड वीकेंड को देना, तो इस तरीके से आपका एडमिशन हो सकता है। क्लास टाइमिंग देखें तो स्पेनिश मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 9 to 11 am, ये वीकडे है।
मंडे वेंसडे फ्राइडे 4 PM to 6 PM ये शाम में चलेगा, और वीकेंड बैच जो है सैटरडे और संडे चलता है 3 से 6 और 9 से 12 वीकेंड बैच चलता है। फ्रेंच की बात करें तो सेम ऑलमोस्ट है, मंडे वेंसडे फ्राइडे 11 to 1, मंडे वेंसडे फ्राइडे 4 to 6, वीकेंड सैटरडे संडे 3 to 6 एंड 9 to 12। जर्मन ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 11 to 1, मंडे वेंसडे फ्राइडे 4 to 6 और वीकेंड सैटरडे और संडे 3 to 6, 9 to 12। तो ये जर्मन, जिनको जर्मन में एडमिशन लेना है वो देख लेंगे। और चाइनीज़ और जेपनीज़ मंडे वेंसडे फ्राइडे 4 to 6, चाइनीज़ जेपनीज़ की क्लासेस शाम को ही बस चल रही हैं, एक ही बैच है। उर्दू थर्सडे सैटरडे 3 to 4:30, पर्जियन मंडे एंड फ्राइडे 3 PM to 4:30 PM, और अरेबिक अगर किसी को सीखना है तो मंडे वेंसडे और सैटरडे क्लासेस चलती हैं। तो गाइज अब देखते हैं सेंट स्टीफंस कॉलेज की कट ऑफ लास्ट ईयर। तो गाइज ये है सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पेनिश की मंडे वेंसडे फ्राइडे 9 AM to 11 AM बैच की कट ऑफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मॉर्निंग वीकडेज बैच की कट ऑफ है जो कि 59.5% गई है। तो ये कट ऑफ इतनी लो है, ये देखिए इसके दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो ये कि ये मे बी कैटेगरी वाइज हो और लास्ट आपकी 59.5% हो, ये सबके लिए नहीं हो। और सेकंड ये रीज़न होता है कि मंडे वेंसडे फ्राइडे एक तो वीकडेज हैं, ऊपर से 9 to 11 AM की बैच है, मेनली इस टाइम पर आपके क्लासेस रेगुलर कोर्सेज जो कर रहे हो उनकी क्लासेस होते हैं, तो इस बैच को बहुत कम लोग ही चूज़ करते हैं जिनके पास टाइम है, जिनको ये सेंट स्टीफंस में ही सर्टिफिकेट कोर्स करना होता है, तो इस कोर्स को इस बैच को वही लोग चूज़ करते हैं। इसलिए इस बैच में अगर आपके कम परसेंटेज हैं और आपको सेंट स्टीफंस में एडमिशन चाहिए ही चाहिए तो आप इस बैच को ऑप्ट कर सकते हो। सेकेंड हम देखेंगे सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पेनिश मंडे वेंसडे फ्राइडे 4 PM to 6 PM बैच, ये इवनिंग बैच है और इसकी कट ऑफ आप देख सकते हो 84.25% है। कितना डिफरेंस हो जा रहा है क्योंकि इसकी शाम की बैच है, तो आप अपने क्लासेस ओवर होने के बाद इस बैच में एडमिशन लेके इस कोर्स को कर सकते हो, तो इसलिए इसकी परसेंटेज फिर ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद जब आता है हमारा वीकेंड बैच जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग बैच होता है क्योंकि सैटरडे संडे होता है, बहुत लोगों की सैटरडेज को क्लासेस नहीं लगती हैं तो वो इस कोर्स को आराम से कर सकते हैं। इसलिए सैटरडे 3 to 6 PM संडे 9 to 12 PM में कट ऑफ आपका गया 90.75%, अगर तीनों को कंपेयर करें तो इसमें सबसे हाई है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच मंडे वेंसडे फ्राइडे 11 AM to 1 PM बैच, वही बात है वीकडे मॉर्निंग बैच, कट ऑफ 78.25%, मंडे वेंसडे फ्राइडे 4 PM to 6 PM शाम की बैच कट ऑफ 81%। फिर है मंडे वीकेंड बैच आता है सैटरडे और संडे 88.75% गया है सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच में, तो जिनके इतने परसेंटेज हैं वो इसको कंसिडर कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन देखें तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे क्लासेस चलती हैं 11 to 1, कट ऑफ गया है 50%, और मंडे वेंसडे फ्राइडे शाम की बैच का कट ऑफ है 82.75%। सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन वीकेंड बैच का जो कट ऑफ है 80.25% है। और फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन चाइनीज़ की कट ऑफ की बात करें मंडे वेंसडे फ्राइडे शाम की बैच कट ऑफ 59.5%। सर्टिफिकेट कोर्स इन जेपनीज़ मंडे वेंसडे फ्राइडे 4 PM to 6 PM शाम की बैच कट ऑफ 71.25% गया हुआ है। और सर्टिफिकेट कोर्स इन उर्दू जिनको उर्दू करना है थर्सडे सैटरडे 3 PM to 4:30 PM कट ऑफ 57% गया हुआ है। तो गाइज ये थी सेंट स्टीफंस कॉलेज में सर्टिफिकेट कोर्स की सारी एडमिशन क्राइटेरिया की डिटेल्स। अब हम देख लेते हैं डिप्लोमा कोर्स की सारी डिटेल। तो गाइज ये है प्रोस्पेक्टस डिप्लोमा कोर्स के लिए। सेंट स्टीफंस कॉलेज offers part-time diploma courses in the following languages for student of Delhi University as well as for general public: French, German, Spanish, Chinese, Japanese, Arabic, Persian, Urdu, Sanskrit, जो कि certificate courses है वही diploma courses में भी है। The University of Delhi conducts the examination and awards diploma for French, Spanish, German, Chinese, Japanese, Arabic, Persian and Urdu. A student will be admitted to only one course at a time. Applicant should carefully read this introductory notice and then fill out the attached application form. तो इसके लिए आपको एक एग्जामिनेशन देना होता है डिप्लोमा में एडमिशन के लिए। बाकी के कुछ कॉलेजेस नहीं लेते हैं, पर सेंट स्टीफंस लेता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन कुछ कोर्सेज के लिए, जिसकी इन्फॉर्मेशन अभी हम नीचे देखते हैं। नोट, क्लासेस शैल बी फुली ऑनलाइन ऑन अकाउंट ऑफ COVID-19 सेफ्टी प्रोसीजर्स अंटिल सच टाइम व्हेन द गवर्नमेंट परमिट्स टू रिज्यूम ऑफलाइन मोड। तो बात वही है कि अभी जो भी क्लासेस है वो ऑनलाइन चलेंगी। एप्लीकेशन प्रोसेस देखते हैं,
तो एडमिशंस विल बी फुली ऑनलाइन एंड द फॉर्म्स विल बी अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट ऑन 9 अगस्त 2021। एप्लीकेंट्स आर टू पे अ रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 500 एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 500 होगी, साथ में आपको एक फोटोग्राफ और सिग्नेचर अटैच करना होगा। और एडमिशन टू जर्मन, फ्रेंच एंड स्पेनिश इज़ ओनली थ्रू एंट्रेंस टेस्ट, जिसकी मैं बात कर रही थी कि जिनको फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश में एडमिशन लेना है, जिन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपने स्टीफन से भी किया है तो भी आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही होगा, लेकिन सिर्फ इन्हीं लैंग्वेज वालों को। सर्टिफिकेट इन रेलिवेंट लैंग्वेज फ्रॉम सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेट इन द रिक्विजिट लैंग्वेज फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस अदर देन सेंट स्टीफन्स कॉलेज, यू आर एलिजिबल टू अपियर फॉर द टेस्ट। तो बात वही है कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। और एडमिशन टू चाइनीज, जेपनीज, पर्शियन, उर्दू, there shall be no entrance test, only students who have a certificate from Delhi University in the relevant language can apply for these courses। तो Chinese, Japanese वगैरह में जिनको admission लेना है उनके लिए काफ़ी अच्छा है, आपका बिना entrance test के admission हो जाएगा। और एडमिशन टू अरेबिक कोर्सेज विल बी थ्रू इन इंटरव्यू, और अरेबिक कोर्सेज में जो आपका एडमिशन होगा वो इंटरव्यू के थ्रू होगा। और इंटरव्यू डेट जो है वो है 4 सितंबर 2021। तो डेट्स आप ध्यान में रखना। और टेंटेटिव कैलेंडर देखते हैं तो ऑनलाइन एडमिशन 9 अगस्त से 3 तक चलेगा, लास्ट डेट आपकी 3 सितंबर होगी, एंट्रेंस डेट आपका 6 सितंबर को होगा, और उसके बाद फर्स्ट लिस्ट 10th को, सेकेंड 13th और थर्ड 17th को आएगी। फॉर चाइनीज एंड जेपनीज एडमिशन लिस्ट शैल बी पुट ऑन 8 सितंबर 2021, क्योंकि इनके एंट्रेंस नहीं होने हैं। टाइम पीरियड टू डिपॉजिट द कोर्स फी विद इन 3 डेज ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ एडमिशन लिस्ट, फेलिंग विच एडमिशन विल बी कैंसिल। तो अगर आपने 3 डेज़ के अंदर एडमिशन, जब भी आपका मेरिट लिस्ट या आप एंट्रेंस का लिस्ट का रिजल्ट आता है, आपने 3 डेज़ के अंदर एडमिशन नहीं लिया है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, क्लासेज विल बिगिन फ्रॉम 1st week of October एंड विल कंटिन्यू अप्रॉक्सीमेटली अंटिल द एंड ऑफ अप्रैल मई 2022। क्लासेज विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी कैलेंडर। तो ये डेट जो है वो एकदम फिक्स नहीं होती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कोविड की वजह से डिले हो जाता है, जून तक भी जा सकते हैं आपके कोर्सेज, तो आपको प्रिपेयर रहना होगा। कोर्स फी की बात करें तो अरेबिक, पर्शियन, उर्दू 8,000 है, और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 15,000 है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। संस्कृत 7,000 है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, 15,000 फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। चाइनीज़ और जेपनीज़ की कोर्स फ़ी 17,000 है, और जितने भी दूसरे लैंग्वेजेस हैं उनकी फ़ी है 22,000। द कोर्स फी कैन बी सबमिटेड बाई लॉगिंग ऑन द पोर्टल यूजिंग द रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड। तो जो भी पोर्टल आपका होगा, आप रजिस्ट्रेशन जहाँ से आपने किया है, आप पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी से आप लॉग इन करके कोर्स फी डिपॉजिट कर सकते हो। उसकी भी एक लिंक आती है जो कि आ जाएगी। क्लास टाइमिंग्स अगर देखें तो फ्रेंच की सिर्फ वीकेंड बेस्ट चलती है, सैटरडे और संडे को 3 to 6 और 9 to 12। तो ये काफ़ी अच्छा होता है अगर आपको दूसरी स्टडी करनी है या जॉब कर रहे हो आप, तो सैटरडे संडे वीकेंड बेस्ट चलती है। जर्मन ट्यूसडे थर्सडे 1 to 4, वीकेंड सैटरडे संडे 3 to 6 और 9 to 12। स्पेनिश ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे 9 to 11, और दूसरी वीकेंड बैच है सैटरडे संडे 3 to 6 और 9 to 12। तो आप जिसमें भी आपको एडमिशन मिलेगा आप वो देख सकते हो। और बात करें चाइनीज़ की तो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 4 to 6 PM क्लासेस चलेंगी। तो गाइज़ ये थी डिप्लोमा कोर्स की सारी एडमिशन डिटेल्स, अब हम देख लेते हैं एडवांस डिप्लोमा की एडमिशन डिटेल्स। और गाइज़ ये है प्रोस्पेक्टस एडवांस डिप्लोमा कोर्स के लिए, तो जिनको सेंट स्टीफन्स कॉलेज में एडवांस डिप्लोमा करना है वो अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज़, जेपनीज़, संस्कृत, पर्शियन और मॉडर्न अरेबिक में। A student will be admitted to only one course at a time. Applicants should carefully read this introductory notice and then fill out the attached application form. तो क्लासेस शैल बी फुली ऑनलाइन ऑन अकाउंट ऑफ COVID-19 सेफ्टी प्रोसीजर्स अंटिल सच टाइम व्हेन द गवर्नमेंट परमिट्स टू रिज्यूम ऑफलाइन मोड। एप्लीकेशन प्रोसेस, एडमिशन विल बी फुली ऑनलाइन एंड द फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट ऑन 9 अगस्त 2021। और एप्लीकेंट्स आर टू पे अ रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 500 एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। तो 500 आपकी रजिस्ट्रेशन फी होगी, और आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर रिक्वायर्ड फॉर्मेट में अटेस्ट करना होगा। और एडमिशन टू जर्मन, फ्रेंच एंड स्पेनिश इज़ ओनली थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट। तो डिप्लोमा की तरह ही अगर आपको एडवांस डिप्लोमा भी करना है और आपने डिप्लोमा किया हुआ है सेंट स्टीफन से या किसी भी कॉलेज से, आपको एंट्रेंस देना होगा अगर आपको फ्रेंच, जर्मन या स्पेनिश में से किसी भी लैंग्वेज में एडमिशन चाहिए। लेकिन अगर आपको चाइनीज़, जेपनीज, पर्शियन, उर्दू इन सब में चाहिए एडमिशन, तो आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट देना नहीं होगा, चाहे आपने किसी भी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ हो डिप्लोमा फॉरेन लैंग्वेज में।
और एडमिशन टू अरेबिक कोर्सेज विल बी थ्रू एन इंटरव्यू. इंटरव्यू डेट फॉर अरेबिक कोर्सेज 4 सितंबर को आपके जो भी जिनको अरेबिक में एडमिशन लेना है इंटरव्यू होगा. टेंटेटिव कैलेंडर देखते हैं एडमिशन के लिए. तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 अगस्त से 3 सितंबर तक होगा. लास्ट सितंबर लास्ट डेट जो है वो 3 सितंबर 2021 होगी. इंट्रेंस टेस्ट डेट आपकी 6 सितंबर 2021 होगी और फर्स्ट लिस्ट 10 को आएगी, सेकंड 13 को और थर्ड 17 को आएगी. चाइनीज़ और जेपनीज एडमिशन लिस्ट शैल बी पुट अप ऑन 8 सितंबर 2021. टाइम पीरियड टू डिपॉजिट कोर्स फी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको 3 दिन के अंदर जब भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है या फिर आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया हुआ है रिजल्ट आ जाता है तो आपको 3 दिन के अंदर एडमिशन लेना होगा, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो जाएगा. ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्लासेस विल बिगिन फ्रॉम 1st week of October एंड विल कंटिन्यू अप्रॉक्सीमेटली अंटिल द एंड ऑफ अप्रैल और मई 2022. और कोर्स फी की बात करें तो मॉडर्न अरेबिक और पर्शियन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 8,000, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 15,000, संस्कृत 7,000 इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 15,000, चाइनीज़ और जेपनीज 17,000 और बाकी जितने भी लैंग्वेजेस है 22,000 आपकी फ़ी होगी. क्लास टाइमिंग्स देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो फ्रेंच में मंडे वेंसडे 2:30 to 5:30 PM क्लास चलती है और फिर फ्राइडे को चलती है 2:30 to 4:30 PM. तो आपकी मंडे वेंसडे और फ्राइडे ये 3 दिन क्लासेस चलेंगी. जर्मन मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे 4 दिन क्लासेस चलेंगी 4 PM to 6 PM. स्पेनिश देखें तो मंडे वेंसडे और फ्राइडे 3 दिन क्लासेस चलेंगी 11 to 1 PM. चाइनीज़ की क्लासेस मंडे वेंसडे फ्राइडे 3 दिन चलेंगी 4 to 6 PM. जेपनीज़ की मंडे वेंसडे फ्राइडे 4 to 6 PM. तो ये सारी टाइमिंग्स हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो. तो गाइज़ ये थी सेंट स्टीफेंस कॉलेज में फॉरेन लैंग्वेज कोर्स की से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन. आप देख सकते हो आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो, कॉलेज बहुत ही अच्छा है. और बाकी जो भी आगे जितने भी कॉलेजेस के रिलीज़ होंगे फॉर्म मैं आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करती रहूँगी. तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें. थैंक यू.